वाराणसी के भेलपुर के दुर्गा कुंड के नजदीक स्थित संतोषी माता मंदिर से अचानक 3 गोलियां चलने की आवाज आई। मालूम हुआ कि इस गोलीकांड में हिंदू युवा वाहिनी के नेता समेत 3 लोग घायल हो गए। मंदिर परिसर में गोली किस बात की चली या भी साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि मंदिर के सचिव अंतर सिंह की माने तो पुजारी मंदिर में ही रहने वाली युवती से छेड़खानी कर रहा था, जिसे रोकने के दरमियान गोली चल गई। वहीं पुलिस की माने तो यह मामला मंदिर की जमीन के विवाद को लेकर पुरानी रंजिश का है। एक संतोषी माता का मंदिर है, इसी में कुछ व्यक्ति पूजा पाठ का काम कर रहे थे और कुछ इनके सचिव इत्यादि है, इन दोनों के बीच में आपस में लड़ते थे। एक पर चतर सिंह और राजबहादुर थे और दूसरा पर शमशेर पार के रमाकांत पाटिल, और इसी दौरान आपस में बातचीत के दौरान ही गोली चली। दोनों पक्षों चोट लगी है, ऋषि से गोली लगी है। अभी सभी को ट्रामा सेंटर रेफर किया गया, फिलहाल उनके खतरे से बाहर है। अभी मेडिकल उपचार चल रहा है और पुलिस अभी। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि भारी बारिश के बाद से मंदिर की पट्टियां गिरी हुई थी, जिसकी मरम्मती के वक्त दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। इसी कहासुनी में देखते ही देखते अंतर सिंह ने अपनी लाइसेंस से पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी और पुजारी समेत हिंदू युवा वाहिनी के नेता को भी गोली लग गई। लेकिन वाकई में असल मामला क्या है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लोग कहें कि इनके मित्र हैं बचपन के, इनका फोटो देख लीजिए फेसबुक पे, वो अलग विषय है। उनका क्या संबंध है क्या नहीं, वो तो पुलिस जांच करेगी तो बताएगी, मगर संज्ञान में मामला हमको ही पता चला है कि 1.5 साल पहले मैंने देखा था कि जो चुनार के विधायक है माननीय अनुराग सिंह जी, उनके पूर्व में उनके पिताजी ओम प्रकाश जी मंत्री थे भाजपा सरकार में, तो उनका भी संस्था में नाम दिया गया था और संरक्षक के रूप में रविंद्र जायसवाल जी को भी रखा था, उनको भी रखा। कई गणमान्य लोग थे जो क्षेत्र के, मगर जब हम लोग निकलवाए रिकॉर्ड उनका तो उनमें उनका नाम नहीं था। अवैध रूप से ये अवैध है, रजिस्ट्रेशन अवैध कराए मंदिर को, मंदिर एक नंबर से शुद्ध है। फिलहाल हिंदू युवा वाहिनी के नेता अभिषेक पांडे की गोली लगने की सूचना मिलते ही संगठन अध्यक्ष दिवस त्रिपाठी समेत कई कार्यकर्ता ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए हंगामा करने लगे, जिसके बाद एसपी भेलपुर ने आश्वासन दिया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, तब जाकर मामला शांत हुआ। वाराणसी से उमेश सिंह की रिपोर्ट। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने और उसके अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने राजपर टीवी चैनल से, साथ ही राजपर टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को भी बजाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, साथ ही याद रहे 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी।